छात्र को विद्यालय में ठीक समय पर भेजें। छात्र को कोरोना से बचाव के नियम समझाएं। छात्र को समझाने कि उसे हमेशा मास्क पहनकर रखना है। छात्र को के घर पहुंचाने का समय नोट करें। यदि छात्र ठीक समय पर घर नहीं पहुंचता है तो उसका तुरंत पता करें। छात्र को साफ़ सुथरी वर्दी में विद्यालय भेजें। छात्र को सुबह का नाश्ता करा के विद्यालय भेजें। छात्र को नहला धुला कर तैयार करके विद्यालय में भेजें। छात्र को नाखूनों को सप्ताह में एक बार अवश्य काटें। छात्र को प्रतिदिन बैग चेक करें, पता करें कहीं वह किसी अन्य विद्यार्थी की चीज़ जैसे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि तो अपने बैग में ले आया। यदि छात्र ने गलती की हो तो उसे प्यार से समझाएं। छात्र के प्रतिदिन विद्यालय से प्राप्त गृह कार्य की अपनी निगरानी में करवाएं। अभिभावकों को चाहिए वे 15 दिन या 1 महीने में विद्यालय में आकर अपने बच्चे का गतिविधियां का पता करें। अभिभावक अब सबसे पहले प्रधानाचार्य से मिलें। छात्र को घर पर पढ़ने की के लिए कहें तथा उसे स्वयं भी पढ़ाएं। छात्र के टीवी देखने का खेलने का समय निर्धारित करें जिससे छात्र पढ़ाई के लिए तथा अन्य कामों को बराबर समय दे सके। छात्र के सुबह उठने का, रात में सोने का समय का ध्यान रखें। यदि छात्र बीमार है तो उसकी सूचना या प्रार्थना पत्र विद्यालय में भिजवाएं। छात्र के जेब के अंदर उसके घर का पता अवश्य रखें। छात्र को घर पर सामाजिक, पारिवारिक व नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताएं तथा उसे अच्छे संस्कार व अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें। छात्र के जीवन की सुदृढ़ बनाने में माता पिता अभिभावकों का विशेष योगदान है। हेलो गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।